मैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाओ देखो और मजे करो यार। बार्सिलोना का फाइनल है, मिस मत करना इसको, ठीक है? जाओ। हाँ तो यार, एक और बड़ा गेम, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम, और ये शायद हमारा ओनली चांस है सिल्वरवेयर जीतने का। ये हमारा ओनली चांस है कोई एक ट्रॉफी जीतने का। तो इस चांस में हम लोग को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे इस सीजन के बाकी गेम से हम लोग अभी तक बड़ा बेकार खेलते आए ना, वो हम लोग को नहीं करना। हम लोग को पूरी जान लगा देनी है और एथलेटिको बिलबाओ को एकदम अच्छे से फोड़ देना है, ठीक है? सीधी सी बात है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं एथलेटिको बिलबाओ की। वो लोग 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ खेलते हैं और उन लोग का मेन एम ये रहता है कि यार अपना डिफेंस को एकदम अच्छे से सॉलिड करो, और वो लोग इसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल भी है। अगर तुम लोग उनके प्रीवियस गेम्स देख लोगे, वो लोग ज्यादा गोल खाते नहीं है, उन लोग का डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होकर खेलते हैं वो लोग, और बस एक मूवमेंट का वेट करते हैं, और वो मूवमेंट में वो लोग काउंटर अटैक करने का ट्राई करते हैं। रूबिन गार्सिया आगे खड़ा हुआ है, इन्याकी विलियम्स आगे खड़ा हुआ है, मुनियाई लेफ्ट साइड से जाएगा ही उनका। तो बेसिक बात यह है कि उन लोगों का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उन लोगों को पता है कि उन लोगों को गेम में क्या करना है। वो लोग गेम के स्टार्टिंग में हम लोग पे हाई प्रेस बनाने का भी ट्राई करेंगे। हम लोग उनके प्रीवियस गेम्स देखें तो हम लोग एक बात पता चलता है कि वो लोग थोड़े टाइम तक प्रेस करते हैं, उसके बाद एकदम आराम से सिट बैक करके पीछे से रिलैक्स करते हैं। यही उनका बेसिक टैक्टिक है। और उन लोग का एक और एडवांटेज ये मिल जाता है कि उन लोग विंग्स से ज्यादा गोल नहीं खाते, क्योंकि उनकी विंग्स इतनी ज्यादा अच्छी है डिफेंसिवली। लेफ्ट साइड पे उनके पास मुनियाइन है, आगे जाता है, डिफेंसिवली भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। राइट साइड पे उन लोगों के पास डीमार्कोस है, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा एकदम अच्छे से खेलने वाला प्लेयर है, और मिडिल ऑफ द पार्क में तो लोग है ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 6-6 प्लेयर्स उन लोगों के रहते हैं मिडिल में। तो बात यह आ जाती है वापस बेसिक बात कि बार्सिलोना इन लोग को ब्रेक डाउन कैसे करे। और यार इस गेम में बार्सिलोना के लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम में वही हंगर रहेगी जो इंटरनेशनल ब्रेक के पहले थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम लोग कौन से फॉर्मेशन के साथ खेलेंगे, है ना? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दो मैच से, चाहे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो चाहे रियल वायोडोलिड के अगेंस्ट हो, हम लोग का जो 3 एट द बैक वाला सिस्टम है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि जॉर्डी अल्बा और सर्जिनियो डेस्ट उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, है ना? माना कि जॉर्डी अल्बा ने एक असिस्ट दिया, जो भी है, बट बात सिर्फ वही आ जाती है ना, हम लोग को सिर्फ एक दो इंस्टेंस में हमारे विंग बैक्स का जादू नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा चाहिए कि यार विंग्स पे हमेशा कोई ना कोई एज अ थ्रेट खड़ा हो, पूरे 90 मिनट तक हम लोग उनको परेशान कर पाएं। और ये चीज़ हम लोग देखे हैं जब बार्सिलोना दोनों गेम्स से पिछले अपने फॉर्मेशन शिफ्ट कर देती है, चाहे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट देख लो चाहे रियल वायडोलिड के अगेंस्ट देख लो। दोनों के खिलाफ हमने अच्छा खेलना कब स्टार्ट किया, जब हम लोगों ने फॉर्मेशन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, है ना? तो अब हम लोग को यही सोचना पड़ेगा कि हम लोग को कौन से फॉर्मेशन के साथ खेलना है, और फॉर्मेशन हमारा सेट भी हो गया तो भी कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि हमारा 4-2-3-1 या 4-3-3 जो भी हम लोग खेलें वो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट गेम तुम लोग को याद हो एथलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट, तो उसमें हम लोग ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया था, और मैसी जो सॉर्ट ऑफ फॉल्स एंड रोल खेल रहा था उसने काफी ज्यादा हेल्प की थी। दूसरी चीज ये हो रही थी कि डेम्बेले राइट हैंड साइड से, क्योंकि डेम्बेले नेशनल विंगर है, डेम्बेले राइट हैंड साइड से बहुत अच्छे से आगे अटैक कर पा रहा था और बहुत अच्छे से उन लोग को परेशान कर रहा था, और सेकंड हाफ में डेम्बेले ने कितने सारे चांसेस बनाए। प्लस हमारा मिडफील्ड जो था उसमें काफी अच्छा डोमिनेंस दिख रहा था, जबकि उस गेम में तो बुस्केट्स ने स्टार्ट किया भी नहीं था, है ना? उस गेम में पेड्री खेल रहा था, डियोंग खेल रहा था और पियानिच खेल रहा था, इन तीनों ने भी एकदम अच्छे से परफॉर्म किया था। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग को 4-2-3-1, 4-3-3 इनमें से कुछ एक खिलाना चाहिए। कि एक और बात यह आ जाती है कि उन लोग के पास दो अटैकर है, रूबिन गार्सिया और इन्याकी विलियम। अगर हम लोग अपने तीन तीन प्लेयर्स उनके दो अटैकर के पीछे लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो आउट नंबर हो जाएंगे वो मिडफील्ड रीजन में होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग जो आउट नंबर होंगे वो हमारे फाइनल थर्ड में होंगे। इसलिए हम लोग को वो जो थर्ड सेंटर बैक बच जाता है उसको रिप्लेस करके हम लोग को कोई एक मिडफील्डर लाना पड़ेगा, या जो भी है। बेसिक बात यह है कि हम लोग को 4 एट द बैक खिलाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे दोनों फुल बैक्स है वो भी आगे पुश कर पाए, और हमारे जो दो सेंटर बैक्स हैं वो हमेशा तैयार रहे उनके काउंटर अटैक्स के लिए, उनके दोनों अटैकर्स को संभालने के लिए। अब यार अगला सवाल बार्सिलोना के लिए जो आ जाता है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेड्री स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेरे हिसाब से तो पेड्री स्टार्ट करेगा, क्योंकि कोमैन बहुत ज्यादा उस पर रिलाय करता है, बट क्या पेड्री को स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उसका एक गेम वीक था, तो ऐसा कोई मैं हेट कर रहा हूं पेड्री आउट नहीं, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि बंदे ने बहुत ज्यादा मिनट्स खेले हैं, उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, हमको पता है, बट एवरीबॉडी नीड्स रेस्ट, और हम लोग को इस गेम में बहुत ज्यादा फिजिकलिटी चाहिए रहेगी। इसलिए क्यों ना इलाश मोरीबा को खिला दिया जाए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर 30-40 मिनट तक अच्छा नहीं खेला यार, सेकंड हाफ में बदल दो उसको, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेकंड हाफ में पेड्री को ले आओ, सेकंड हाफ में जो क्रिएटिविटी लगती है वो पेड्री प्रोवाइड कर देगा, है ना? मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हम लोग को मिडफील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और पेड्री पिछले 3-4 गेम से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। एकदम सीधी सी बात है, एकदम ऑनेस्ट बात है। किसी फिजिकल प्लेयर को खिलाना मिडफील्ड में इसलिए जरूरी है क्योंकि एथलेटिको बिलबाओ वाले यार बहुत ज्यादा फिजिकल है। हम लोगों ने देखा था सुपर कोपा में हमारे पास फिजिकलिटी नहीं थी, और क्या रिजल्ट है ये बात हम सबको पता है ना? इसलिए अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही थोड़े से ज्यादा फिजिकल रहेंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाएगा, हम लोग जल्दी गोल स्कोर कर सकते हैं। अब बात वही आ जाती है कि हम लोग उनको ब्रेक डाउन कैसे करें। तो इसका एकदम ऑब्वियस बात है, की प्लेयर रहेगा लियोनल मेसी। मेसी जब डीप ड्रॉप करेगा तब हमारे सारे ही प्लेयर्स को आगे एकदम अच्छे से रन बनाने पड़ेंगे, चाहे वो इलाश मोरीबा हो चाहे वो फ्रेंकी डियोंग हो, और डेम्बेले और ग्रीजमन को तो रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग रन नहीं बनाते तो हम लोग उनके लो ब्लॉक को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। एकदम सीधी सी बात है, बार्सिलोना को बस पूरी हंगर के साथ खेलना है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गेम्स आते हैं ना, इसमें टैक्टिक्स की चाहे कितनी भी बात कर लो, इसमें आप अपने फॉर्मेशन की कितनी भी बात कर लो, प्लेयर पोजिशनिंग की कितनी भी बात कर लो, बट एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी हंगर है। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितना स्टेमिना है, आपने ट्रेनिंग में कितना हार्ड वर्क किया है, आप कितनी बार वही एक ही रन बनाने के लिए तैयार हो, आपको बॉल मिले या ना मिले आपको कंटिन्यूअसली आगे जाना है, और उन लोगों पर एकदम अच्छे से प्रेशर बनाना है, और डिफेंसिवली बहुत अच्छे से काम करना है।
एकदम बेसिक बेसिक बात है। ऐसे जो फाइनल्स होते हैं, जो सेमीफाइनल्स होते हैं, उनमें टेक्टिक्स काम आती हैं, बट उससे भी ज़्यादा काम आती है हंगर। हम लोग को हंगर के साथ खेलना है, इसलिए इस वीडियो में मैंने टेक्टिक्स उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया। मैं अभी भी वापस तीसरी चौथी बार वही बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना में जज्बा होना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा हिम्मत होनी चाहिए कि फाड़ के फेंक डालो ओपोनेंट को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उस मेंटेलिटी के साथ हम लोग को गेम में उतरना है और सारे ही प्लेयर्स को 100% कंट्रीब्यूट करना है। कोई भी रीजन में हम लोग को लाउजी नहीं होना है, क्योंकि फॉर्मेशन हम लोग कोई भी खेले, अगर हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से लाउजी हो जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर गोल खा जाएंगे, एकदम सीधी सी बात है। इसलिए हम लोग को एकदम अच्छे से खेलना पड़ेगा, भी करके गेम जीतना है। हद हो जाएगी यार, अगर ये गेम भी हार जाएंगे ना तो सही में हद हो जाएगी एकदम। ये गेम जीतो, एक ट्रॉफी लाओ बार्सिलोना में वापस, कोपा डेल रे आना चाहिए जल्दी। और कल रात को देखो यार मैच, इंजॉय करो, और लेट अस होप वी विन एंड दैट टू विद अ गुड परफॉर्मेंस एंड विथ अ गुड मार्जिन। मेरा प्रिडिक्शन है बार्सिलोना 3 एथलेटिको बिलबाओ 1। जीतना है ट्रॉफी को, अपने सर पे उठाना है और रात को एकदम अच्छे से नाचना है, ठीक है? तो यार मिलते हैं मैच के रिव्यू में। विस्का एल बार्सा।